नमस्कार क्लास वन फैमिली, कैसे हो आप सब? बढ़िया ही होगा। देखो हम कितने लकी है कि हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, पीने के लिए पानी है, पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं, ऊपर से हमारे हाथ में अच्छा फोन है, उसके ऊपर उसमें इंटरनेट है। तो चलो इसी बात के लिए करते हैं भगवान का थैंक यू और कर देते हैं आज के वीडियो की शुरुआत। तो चलो दबाओ सब्सक्राइब का बटन और बजाओ घंटी, तब तक मैं जलाता हूँ अगरबत्ती। देखो जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो उसका मन और उसका शरीर एक साथ होता है, और उसका मन चंचल होता है। इसलिए आप देखोगे कि वो ये उठाएगा, फिर बीच में इधर जाएगा, ये चीज उठाएगा, वो चीज उठाएगा, लेकिन वो वही करेगा जो उसका मन कहेगा। अब हम उसे क्या करते हैं? उसे कहते हैं तो एक जगह बैठ जा और ये कार्टून देख। इसका मतलब ये होता है कि उसे हम एक जगह बिठा देते हैं और उसका मन कहीं और लगाने का उसको सिखा देते हैं। एक जगह बैठ रहा है, अब कार्टून देख रहा है, कार्टून इधर 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 उधर घूम रहा है, उसका मन वो कार्टून के साथ है। अगर आप देखोगे कि कार्टून बहुत ज्यादा फ्रेम रेट बदलता है, इसका मतलब वो बहुत कम बात करता है और जहां ज्यादा ज्यादा जगह पे जाता है तो कहीं इधर होगा, कहीं उधर होगा, इधर जाएगा, उधर भागेगा, इधर भागेगा, उधर भागेगा, ऐसा कार्टून हमेशा करता है, क्योंकि उसको उसको इस बच्चे को बिठा के रखना है, कहीं और नहीं जाने देना, क्योंकि उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत है। ये कार्टून है तो वो और कार्टून लगा देगा, इसलिए वो हमेशा ये ट्राई करता है कार्टून कि इस बच्चे को यहाँ से उठने नहीं देना है। अब बच्चा धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर रहा है कि बैठना एक जगह है, मन कहीं और लगाना है। धीरे 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 करके प्रैक्टिस करता है, फिर आता है मूवीज, आता है टेलीविजन, आता है फेसबुक, आता है इंस्टाग्राम, आता है टेलीग्राम, आता है टिकटॉक, आता है इतने सारे ऐप है। उससे होता ही है कि हम एक जगह बैठे मन कहीं और लग रहा है। धीरे 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 करके ये सब सीख लेता है आदमी की कम से कम कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना है। मतलब एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं ना कॉन्सेंट्रेशन, सीधा डायरेक्टली इधर से उधर, इधर से इधर। तो हम उसको बिठाते हैं, बोलते तेरा मन क्यों नहीं लग रहा, अब पढ़ाई में तेरा मन क्यों नहीं लगता, ये हम उसको पूछते हैं। चलो यहाँ तक ये बात समझ भी आती है, क्योंकि अगर आप फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो देख रहे हो तो आप इस वीडियो के अंदर हो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहे हो। लेकिन अगर आप देखोगे नया ऐप आ गया है टिकटॉक, उससे होता यह है कि 1 मिनट का एक वीडियो है और उससे कम का वीडियो है, फॉर एग्जाम्पल 2 मिनट से कम के ही सारे वीडियो है लगभग। वहां पे आप जब टाइम स्पेंड करोगे तो 1 मिनट में वीडियो चेंज होता है, टॉपिक चेंज होता है, पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक चेंज होता है, एक्टर चेंज होते हैं, सारा चेंज होता है। शायद ये कॉमेडी, अगला वाला सीरियस हो सकता है, अगला वाला फनी होगा, ये होगा, ये अलग अलग कुछ रिलेशन नहीं एक दूसरे का, ये आ रहा है वीडियो, चल रहा है वीडियो, 1 मिनट में सब चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये है कि हमारा माइंड चेंज हो रहा है 1 1 मिनट में। आपको पता नहीं होगा तो ये चाइनीज ऐप है कि इंडिया के ऐप चाइना में अलाउ नहीं है, लेकिन चाइना के ऐप इंडिया में अलाउ है, और इंडिया में ये इतना पॉपुलर बन गया है कि अभी कुछ दिनों में यूट्यूब को क्रॉस कर देगा। अपने पॉपुलेशन में बहुत सारे लोग अभी टिकटॉक पे आ गए हैं। 16 साल से 25 साल की उम्र के लोगों के लिए बना गया स्पेशल फोकस ऐप है, इसलिए सारे जितने टीनेजर्स है, इंडिया की यूथ है, वो सारी टिकटॉक पे आ गई है, लगभग आ गई है। टिकटॉक सबसे ऊपर है कॉन्सेंट्रेशन पावर रिड्यूस करने में, इसलिए टिकटॉक में कम से कम समय अगर बिता सकते हो तो आपको बिताना होगा। उसके ऊपर अलग एक बात, आपको सोशल मीडिया पे और टेलीविजन में कम से कम टाइम स्पेंड करना होगा अगर आपको कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है वैसा रखना है, तो बढ़ाने की बात अलग है। और एक बात देखो, एक बार कॉन्सेंट्रेशन पावर लूज होने के बाद तो कॉन्सेंट्रेशन पावर गेन करने के लिए एक ही ऑप्शन है, और वो है मेडिटेशन, और वो कोई कर नहीं सकता। उसके 2 रीजन है। इसका पहला रीजन यह है कि कम ऑन मैन, इट्स टू ओल्ड फैशन, यू नो। और दूसरा इसका रीजन है कि अगर कोई आएगा, पहले दिन वो आएगा, बैठेगा, मेडिटेट करेगा, कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। दूसरे दिन आएगा, मेडिटेट करेगा, कुछ फील होगा नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये मेडिटेशन काम नहीं करता है, कुछ और ढूंढो, ये इस रास्ते पे कभी नहीं आ सकते। एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि अगर पेड़ आपको काटना है तो आप 2 घंटे में काट सकते हो बड़े से बड़ा पेड़, लेकिन आपको वही पेड़ उगाने के लिए सालों लग जाते हैं। धीरे धीरे वो पढ़ना शुरू होता है, 1 दिन में 2 मिनट में बनने वाली वो मैगी है नहीं। पावर बढ़ाने के लिए बहुत टाइम लगता है, बहुत समय जाता है, रिड्यूस करने में बहुत कम समय की जरूरत होती है, बहुत कम समय में ये चल सकता है। अगर आपके पास टिकटॉक है तो आपको पता होगा कि सुबह शाम और रात को 3 बार मैसेज आते हैं, पैर करेगा कि चलो अंदर आओ, वीडियो देखो, एंजॉय करो लाइफ को, वही वहां चालू है।
अगर आपको उसके हिसाब से आप चलने शुरू कर दोगे तो आप भरोसा करो बहुत कम समय में बहुत बड़ी कंसंट्रेशन पावर खो दोगे और फिर बढ़ाने के लिए बहुत मुश्किल है। अब सॉल्यूशन ये नहीं है कि सारा सोशल मीडिया बंद कर दो, अब चेक करो कि आपको सोशल मीडिया का एडिक्शन है या नहीं। अब एडिक्शन है या नहीं है कैसे चेक करना है, सबसे पहली बात अगर एडिक्शन है एक्सेप्ट किया तो ही आगे जाके सॉल्यूशन निकल सकता है। इसका सिंपल आंसर है, अगर आप सुबह उठने के बाद आपका फोन चेक कर रहे हो, व्हाट्सएप मैसेज और यूट्यूब चेक कर रहे हो, इसका मतलब आप एडिक्ट हो चुके हो। उसका बाद अगर आप रात को सोने से पहले आप वीडियो देखते 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 सो जा रहे हो, इसका मतलब आप एडिक्ट हो चुके हो। अब एडिक्शन है तो इसको रिड्यूस करने का एक ही ऑप्शन है। किसी का इतना कंट्रोल नहीं है मन पे कि घर में दारू रखी और फिर भी बोल रहा है कि मैं दारू नहीं पीऊंगा आज से, नहीं होगा। उसको एडिक्शन ऑलरेडी है तो वो कंट्रोल कर ही नहीं सकता। इसका सिंपल आंसर यही है, लोहे को लोहा काट सकता है वैसे ही टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी ही काट सकती है। वहां पे टिकटॉक पे सारे एप्लीकेशन पे एमएस वाले लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने मास्टर्स किया है अपने लाइफ में, पूरा फोकस लगा रहे हैं कि कैसे करके ये एडिक्टिव बनाए ऐप कि ज्यादा से ज्यादा टाइम लोग यहाँ पे स्पेंड करें। लेकिन डरने की कोई बात नहीं है, मैं भी एमएस हूँ, मैं आपको इसका रास्ता बताता हूँ। एक काम करो, ये एक ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिटेल उधर दिया होगा डिस्क्रिप्शन में, वो डाउनलोड करो। उसके बाद आपको समझ में आएगा कि आप कितना टाइम कितने से कितने घंटे आपके दिन में आप कौन से ऐप पे स्पेंड कर रहे हो, और उसके बाद आप कंट्रोल कर सकते हो कि फॉर एग्जांपल यूट्यूब आपको एक दिन में एक घंटा ही यूज करना है तो आप सेट कर सकते हो कि मैं एक घंटा ही इसे चलाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं चलाऊंगा। तो वो ऐप आपको बता देगा कि आपका टाइम ऑलरेडी हो चुका है तो अब इससे ज्यादा वीडियो मत देखो, वो ऑटोमेटिकली आपको वो ऐप बंद कर देगा। उसके बाद बाकी का सारे ऐप के लिए भी यही रूल है, आपको टाइम डेट टाइम सेट कर सकते हो कि सोने से पहले एक घंटा में कोई वीडियो नहीं देखूंगा, उठने के बाद एक घंटा में कोई मैसेज चेक नहीं करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, ये आप कर सकते हो। और वही इसका सॉल्यूशन है, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जितना जल्दी हो सके आप वो सॉल्यूशन इम्प्लीमेंट करो। अगर आपको देखना होगा कि हमने कॉन्सेंट्रेशन पावर कितनी लूज की है तो आप म्यूजिकल के तरफ देखो, जो म्यूजिक चल रहा है उसके तरफ देखो। पहले कौन सा म्यूजिक चल रहा था, क्लासिकल चल रहा था, बहुत स्लो म्यूजिक चल रहा था। उसके बाद में बीट्स आए, टक 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 बीट्स आए, उसके बाद में और ज्यादा बीट्स आए, उसके बाद में डीजे आया और अभी रैप चल रहा है। आप समझ सकते हो कि मेंटल पावर कॉन्सेंट्रेशन पावर हम कितना लूज कर रहे हैं, कितना ड्रेस्टिकली चेंज हो रहा है। आप मुझे बताओ कि पहले रैप क्यों नहीं चल रहा था, कुछ समय पहले रैप चल रहा है फिर धीरे 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 करके आप क्लासिकल आ रहा है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, उल्टा ही क्यों चल रहा है कि पहले जो शांत म्यूजिक थे जो सॉफ्ट थे वो म्यूजिक चल रहे, अब धीरे धीरे करके डीजे बीट्स रैप चल रहे। सीधा इसका रिलेशन है कॉन्सेंट्रेशन पावर से। अभी किसी आदमी के पास इतना कॉन्सेंट्रेशन पावर बचा नहीं है, कोई इतना टाइम बैठ नहीं सकता, जो स्लो म्यूजिक चल रहे है जो चल रहा है वो अभी सुनने की ताकत बहुत कम लोगों में बची है। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि जितना कम टाइम हो सके उतना कम टाइम आप सोशल मीडिया पे बिताओ, जितना कम हो सके उतना कम आओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम सच्चाई बची है। अब कुछ लोग बताएंगे कि भाई सोशल मीडिया तो फ्री है, ये ऐप भी फ्री है, वो ऐप भी फ्री है, यूट्यूब भी फ्री है, फेसबुक भी फ्री है, इंस्टाग्राम भी फ्री है, जितना चाहे यूज करो, भर भर के यूज करो। तो मैं उनके लिए एक बात बताता हूँ, बड़े बुजुर्ग कह के गए हैं फोकट का लेने से पाप लगता है। अब आज के टाइम में मैं इसे कन्वर्ट करके आपके लिए बताता हूँ, इसका मतलब यह है फोकट का लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री, व्हेन यू आर गेटिंग समथिंग फॉर फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट दैट्स बीइंग सोल्ड, देन यू आर द प्रोडक्ट दैट्स बीइंग सोल्ड। चलो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जाते जाते लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा आपके क्या विचार है इस टॉपिक के ऊपर, मुझे सुनने में अच्छा लगेगा। और आपके अपनों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलो मिलते हैं अगले रविवार, तब तक आप आपके जिंदगी में जो भी करो क्लास 1 लेवल का करो। नमस्कार। पिछले हफ्ते क्या हुआ कि मुझे किसी ने इंस्टा पे डीएम किया और उन्हें पूछा कि आप बात तो सही करते हो, आपकी बातें तो सही लगती है, लेकिन आपको लगता है कि आपके बोलने की वजह से चेंज होगा, लोग बदल जाएंगे।
क्योंकि आपका चैनल तो बहुत छोटा है, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है, आपको लगता है आपके चैनल से कुछ फर्क पड़ेगा? चलो मैं एक स्टोरी से आपको इसका जवाब देता हूँ। बहुत पुराना टाइम था, तब जंगल था, जंगल के पास में एक गांव था, गांव के पास में से नदी बह रही थी। तब कुछ लोगों ने गांव के क्या किया कि गांव के एक घर को जला दिया। अब झुग्गी थी पहले गांव में, आपको पता होगा, तो एक झुग्गी जली, दूसरी जली, पूरा गांव आग के चपेट में आ गया। कुछ लोग बैठ के रोने लगे कि अरे पूरा गांव अभी आग में लपेटे में आ गया, अब क्या होगा, क्या कैसे चलेगा। कुछ लोग थे वो जो आग बुझाने में जुट गए, जो हो सकता है उससे वो बुझाना शुरू कर दिया। तो वहां पे एक चिड़िया थी, उस चिड़िया ने क्या किया कि अपने चोंच में जितना पानी हो सके वो नदी से लेती थी और जहाँ पे आ गए वहां जाके डालती थी। तो ऐसे ही वो कर रही थी, तो एक कौवा पास में बैठा था पेड़ पे। तो कौवे ने उस चिड़िया से पूछा, उस कौवे ने चिड़िया को पूछा कि तुझे लगता है कि तुझे यहाँ से पानी उठा के वहां आग पे डाल रही है, फर्क पड़ रहा है, आग बुझ रही है, तुझे लगता है इतना सारा ये कर रही है, इधर से पानी उठा रही है, उधर डाल रही है, तेरे से तो कुछ नहीं होने वाला, तू आग नहीं बुझा पाएगी। तो चिड़िया ने एक जवाब दिया, उस चिड़िया का जो जवाब है वही मेरा जवाब है। उस चिड़िया ने कहा, यह घटना एक दिन इतिहास बन जाएगी और जिस दिन इस घटना को इतिहास में लिखा जाएगा, जिस दिन इस घटना को इतिहास में लिखा जाएगा, तब मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा। आपके पास अब बस 30 सेकंड बचे। इस 30 सेकंड में अगर आपको लगता है कि आप एडिक्ट हो तो आपको वो ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, आपका समय बचेगा, नहीं तो फिर नया वीडियो शुरू हो जाएगा, आप 2 मिनट में भूल जाओगे या वीडियो में हुआ क्या था, फिर से वही स्टोरी रिपीट हो जाएगी, कुछ बदल अलाव नहीं आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। इसके ऊपर आपकी मर्जी, जो आपको करना है करो, लेकिन सोच समझ के करो।